नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया की मुश्किलें बढ़ने वाली। मुंबई एनसीबी ने भारती सिंह और हर्ष के खिलाफ कोर्ट में 200 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। एनसीबी ने कॉमेडियन भारती और उनके पति को ड्रग्स मामले में घर से गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर है। बता दें कि साल 2020 में एनसीबी ने भारती सिंह के प्रोडक्शन हाउस कार्यालय और घर पर छापेमारी की थी, जिसमें 86.5 ग्राम मार्जुआन बरामद हुआ था। एनसीबी की चार्जशीट के बाद भारती और हर्ष के खिलाफ कोर्ट में मामला शुरू हो जाएगा। भारती के घर से मार्जुआन बरामद होने के बाद भारती और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 15,000 रुपए की सुरक्षा राशि जमा कराने के बाद जमानत दे दी थी। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कॉमिक टाइमिंग की वजह से भारती घर घर में फेमस। भारती ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो से छोटे पर्दे पर कॉमेडी के सफर की शुरुआत की थी। भारती का लल्ली का किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया। यही वो किरदार था जिसने उन्हें पहचान दिलवाई। भारती सिंह ने कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का और कॉमेडी का महासंग्राम जैसे शो से लोगों को खूब हंसाया। भारती सिंह एक स्टैंड अप कॉमेडियन ही नहीं बल्कि एंकर भी है। भारती ने कई रियलिटी शो और अवार्ड फंक्शन में एंकरिंग की है। भारती सिंह का लल्ली का किरदार हो या फिर बुआ का किरदार, सभी में वो अपने शानदार अभिनय से जान डाल ही देती है। भारती की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली फीमेल कॉमेडियन। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।